हेलो जी। हेलो, कैसे हैं आप लोग सभी? मैं रोहित रघुवंशी, योर रीजनिंग मेंटर, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है एमपीटी एडुटेक प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, एक बार सभी बच्चे जल्दी से तेजी से एक बार सभी लोग अपने दोस्तों साथियों को भी बुलाकर साथ लेकर आएंगे। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, चलिए। और आप सभी बच्चों को, जिन भी बच्चों के SSC CHSL का एग्ज़ाम है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, अच्छे से पेपर करके आए। और हम CHSL के लिए भी एक सेशन लेकर आने वाला हूं मैं आपको इवनिंग में। ठीक है, वो इवनिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन रहेगा आप सभी एस्पायरेंट के लिए। राइट, किसके लिए? CHSL वाले जितने भी एस्पायरेंट हैं उन सभी के लिए। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ CHSL वाले बच्चे ही देखेंगे, सो कोई भी देख सकता है उस सेशन को। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा खासा तौर पर। चलिए, सो एक बार सभी बच्चे सेशन को शेयर कर देंगे, सभी के सभी तेजी से आ जाइएगा बिना किसी देरी के। ठीक है, आप सभी जानते हैं SSC की रेगुलर क्लासेस होंगी रीजनिंग की यहाँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा सभी के सभी, आज जो है हम मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, सो चलिए देख लीजिए भाई, जल्दी से क्वेश्चन देखिए ध्यान से। एक सेकेंड, माइक। चलो बेटा देखो जल्दी से। चलो भाई, अरे देखो जल्दी बताओ। बोलो भाई, चलिए बोलो।
बताइए। सिंपल है, कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आप सभी जानते हैं गोल्ड और कार्बन और मेटल, ये दोनों एक दूसरे से भिन्न है, अलग है, ठीक है। गोल्ड की कुछ अलग प्रॉपर्टीज है, कार्बन की कुछ अलग प्रॉपर्टीज है, लेकिन मेटल का पार्ट है, राइट, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? गोल्ड और कार्बन, लेकिन कार्बन कोई मेटल है नहीं, कार्बन कोई मेटल है नहीं, लेकिन गोल्ड मेटल है। तो किस ऑप्शन में दिखाया जा रहा है? वो आपको डी ऑप्शन में इस तरीके से दिखाया जा रहा है, क्योंकि सारा का सारा कंप्लीट गोल्ड जो है वो क्या है, मेटल का ही तो पार्ट है। वो किसका पार्ट है भाई? मेटल का, लेकिन कार्बन उससे भिन्न है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ये हो भी बात क्लियर सभी को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देख लीजिए और बताने का संभव प्रयास करिए सभी बच्चे। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से और बताइए क्या होगा भाई। देखो ध्यान से और बोलो, बताओ जल्दी से, और एक बार सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा साथ के साथ सभी लोग। चलिए, इन द गिवन हाउ मेनी इंडियन क्रिकेटर आर नॉट बिजनेसमैन, ऐसे कितने क्रिकेटर हैं, इंडियन क्रिकेटर हैं जो आपके बिजनेसमैन नहीं है। दैट मीन दैट पार्ट विल नॉट बी, ये जो पार्ट आपको गिवन है इस पार्ट का कोई भी पर्सन इसमें नहीं हो सकता। और लेकिन वो इंडियन क्रिकेटर भी है, मतलब क्रिकेटर भी है लेकिन कैसा है, इंडियन। सो दिस विल बी योर राइट आंसर। 23 विल करेक्ट। किस ऑप्शन में आपको दिया गया? 23 किस ऑप्शन में दिया गया? बी ऑप्शन में दिया गया। सो द राइट आंसर विल बी बी। कमेंट में आंसर सभी लोग बताया करें, मैं आप सभी से फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। जब तक आप कमेंट में आंसर नहीं करेंगे तब तक एटलीस्ट हमें पता कैसे चलेगा भैया। तो सेशन को शेयर करिए और कमेंट में आंसर जरूर बताइए सभी लोग मिलकर, सभी के सभी सेशन में आंसर जरूर बताएंगे सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देख लो और बताओ जल्दी से, बोलो जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी के सभी कमेंट में तेजी के साथ। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स बता पाते हैं, जल्दी से बोलो भाई, बताओ और कमेंट में आंसर भी करते रहो साथ के साथ। कमेंट में आंसर करते रहिएगा साथ के साथ सभी लोग मिलकर, सभी दोस्त साथीगण कमेंट में आंसर्स भी करते रहें कि क्या कैसे होगा, कैसे करेंगे हम इसको। ध्यान से देखो और बना के देखो जल्दी से सभी, और कमेंट में आंसर भी बताओ सभी लोग जल्दी से। कमेंट में आंसर बताइए सभी के सभी, कैसे होगा ये। तो आपने कहा कि सर 7, 8, 4 ये तीन नंबर्स आपको गिवन है, इनके कॉम्बिनेशन से हमें 88 लाना है। कैसे ला सकते हैं? जोड़ कर लाया जा सकता है 8, 7, 15, 4, 19 नहीं, गुणा करके 7, 8, 56 नहीं, लेकिन और क्या हो सकता है? आप पहले इसको देख लीजिए, देखिए दिमाग होना चाहिए, इसके फैक्टर बनाइए। आप कहेंगे सर इसके फैक्टर सिर्फ ये बन सकते 11, 8, 88, ठीक है। कहेंगे सर 8 तो ये रहा हमारे पास, इसको तो छेड़िए मत, ठीक। हमारे पास क्या लाना है? 11, तो 7 और 4 प्लस 11, राइट, क्लियर। तो बन गया 88, कैसे आएगा बना या नहीं? सिमिलरली वो यहाँ पर भी आपने सेम करना है, 6 और 5 11 और 11 11 कितना हो जाएगा? 21 21। सिमिलर यहाँ भी ये करना है, 9 3 12 और 12 × 7 विल बी 84। किस ऑप्शन में आपको दिया गया? आप कहेंगे सर पहले ही ऑप्शन में है, सो द राइट आंसर विल बी फर्स्ट। आई होप ये बात क्लियर सभी को, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ क्या ये बात क्लियर है सभी को या नहीं। हाँ या ना बोलिए जल्दी से, अरे क्लियर है बच्चों या नहीं, जल्दी से बताएंगे। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा सभी के सभी क्या होगा। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखो और बताने का संभव प्रयास करो। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए सभी बच्चे मिलकर, ध्यान से देख लीजिए और बताइए सभी के सभी क्या होगा इस क्वेश्चन। बेटा कमेंट में आंसर करते रहिए साथ के साथ, कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा ना हो जो कमेंट में आंसर ना कर रहा हो, ध्यान से देख लो और बताओ। कह रहा है सम फिगर्स आर स्मॉल, फिगर्स का कुछ पार्ट आपका क्या है बच्चों? स्मॉल है, राइट। और कह रहा है कोई भी स्मॉल आपका क्या नहीं है? रेड नहीं है। कोई भी स्मॉल आपका कैसा नहीं है? रेड नहीं है, राइट। अब देखेंगे आप कंक्लूजन में क्या कह रहा है, कंक्लूजन में ध्यान से देख लीजिए और बताइए। कह रहे हैं सभी स्मॉल आपके क्या है? फिगर है। आप कहेंगे सर स्मॉल का सारा पार्ट फिगर कैसे हो जाएगा? स्मॉल का कुछ पार्ट तो हमसे कहा गया है, दैट पार्ट विल बी इन फिगर, लेकिन रेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल वी कांट से अबाउट दैट, इसके बारे में श्योर नहीं कह सकते।
कि हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि बिकॉज इंफॉर्मेशन दी नहीं गई है स्टेटमेंट, राइट, इसलिए कैसा हो जाएगा डाउटफुल, दैट मीन्स रॉन्ग. नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं सम रेड आर स्मॉल, रेड का कुछ पार्ट स्मॉल है. आप कहेंगे सर स्टेटमेंट में हमसे बोला गया है कि स्मॉल का कोई भी पार्ट रेड में नहीं है, तो सीधी सी बात है कि रेड का भी कोई भी पार्ट स्मॉल में होगा नहीं, ठीक, तो ये तो डेफिनेट रॉन्ग हो जाएगा कि कुछ पार्ट कैसे हो सकता है, ठीक है भाई, क्लियर. सो गाइस इसलिए नाइदर, नाइदर किस में दे रखा है, डी ऑप्शन में, नाइदर ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, ना तो पहला और ना ही दूसरा, कोई भी कंक्लूजन इसमें क्या है फॉलो नहीं कर रहा है. आई होप ये बात क्लियर, आई होप सभी को समझ आई बात. जल्दी से एक बार कॉमेंट कर दीजिएगा अगर बात समझ आ गई आप सभी को, कॉमेंट भी करते रहे साथ के साथ मैं आप सभी को बता रहा हूँ. चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देख लो और बताओ जल्दी से. अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए और बताने का संभव प्रयास करिए सभी बच्चे. जल्दी से इस क्वेश्चन की तरफ देखें और देखकर ध्यान से बताने का प्रयास करें क्या होगा, बताइए भाई जल्दी से. बोलो, अरे बच्चों कमेंट भी करते रहो साथ के साथ भाई, मैं आप सभी से बोल रहा हूँ एटलीस्ट जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक कैसे जज कर पाएंगे आप अपनी चीज़ों को, कैसे टीचर आपकी बात को देख पाएगा, कैसे आपके डाउट, कैसे आपकी कोई भी अंदर कोई समस्या चल रही है उसको कैसे कैसे क्वेश्चन का आपने आंसर कर लिया, अपने मन में कर लिया, सॉल्व किया, तो उसने आपने कॉमेंट में क्यों नहीं पिन किया, एटलीस्ट कॉमेंट में आप जब सभी के सभी जवाब दें. चलिए सम पेन्स आर अराउंड, पेन का कुछ पार्ट आपका क्या है बच्चे अराउंड है, ठीक है, और सभी अराउंड आपके क्या है ब्लैक है. कह रहे हैं क्या सभी ब्लैक आपके पेन है, आप कहेंगे सर ब्लैक सभी पेन नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ब्लैक का ये वाला जो पार्ट है, ब्लैक का दैट पार्ट विल बी क्या है आपका, ये वाला जो पार्ट है ये राउंड है ना, राउंड, तो बेटा इसको आर लिख लेते हैं. आपसे बोला गया सभी ब्लैक पेन है, आप कहेंगे सर नहीं ब्लैक का कुछ पार्ट तो पेन में है लेकिन सभी ब्लैक पेन होंगे इसके बारे में श्योर नहीं कह सकते, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट आपसे बोला गया सम राउंड आर ब्लैक, सम राउंड आर ब्लैक, राउंड का कुछ पार्ट ऑब्वियसली जब राउंड कंप्लीटली ब्लैक के अंदर है, राउंड का कंप्लीटली पार्ट ब्लैक के अंदर है तो कुछ पार्ट तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है. सो दिस विल बी करेक्ट. ऑल राउंड आर पेन, राउंड का कुछ पार्ट पेन में है लेकिन रेस्ट पार्ट ऑफ राउंड वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, इसके बारे में हम श्योर नहीं कह सकते बिकॉज स्टेटमेंट में उनके बारे में इंफॉर्मेशन जितनी दी गई है उतना ही हम बता सकते हैं कि राउंड की कुछ पार्ट पेन में है ये, या पेन का कुछ पार्ट राउंड में है ये हमें इंफॉर्मेशन में दे है, लेकिन रेस्ट पार्ट ऑफ राउंड पेन में होगा या नहीं इसके बारे में इंफॉर्मेशन में नहीं है. और जिस पार्ट के बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन में नहीं दिया गया हो तो मैंने आप सभी को बताया है कि उसके बारे में हम कन्फर्म नहीं कह सकते, ठीक है. चलिए सो गाइस इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा. सो कौन सा करेक्ट है, आप कहेंगे सर सीधी सी बात है ओनली सेकेंड फॉलो, ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया गया है कि पहला ही निष्कर्ष जो आपका जो है ओनली सेकंड जो है, दूसरा कंक्लूजन आपका क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है, दूसरा ही कंक्लूजन आपको क्या कर रहा है बच्चा फॉलो कर रहा है. आई होप ये बात क्लियर सभी को, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए और कमेंट में सभी बच्चे बताएंगे आंसर सबने, मैं सभी से बोल रहा हूँ कमेंट में आंसर जरूर किया करें सभी के सभी मिलकर, ठीक है. चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देख लीजिए और बताइए. बेटा मैं सभी से बोल रहा हूँ जितने भी बच्चे सेशन को देख रहे हैं, एक तो सेशन में रेगुलर आए 8 से 9 SSC MTS हवलदार, राइट, रेगुलर क्लास चलेंगी. मैं आप सभी से फिर बोल रहा हूँ एक भी सेशन मिस नहीं करना है. अगर आपको लगता है कि रोहित सर आपके साथ जुड़ गए हैं और आपके साथ रहेंगे, ठीक है, मैंने पहले बताया था कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आप सभी को बताया था कि मेरा ही है, ठीक है, तो आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ें, हर हाल में जुड़ें. आप इस प्लेटफॉर्म से किसी भी करें, आप मुझे अच्छे से जानते हैं, मुझसे पढ़े हैं, चाहे यहाँ चाहे कहीं अन्य भिन्न भिन्न जगहों पे आप मुझसे पढ़ते आए हैं. अगर आपको लगता है कि रोहित सर हमारे साथ रहने वाले हैं तो आप प्लीज़ मेक श्योर कि सेशन स्किप ना करें किसी भी तरीके से, ठीक है. सो चलिए आ जाइए, पहला क्वेश्चन देख लीजिए भाई, आ जाओ बताओ जल्दी से. बोलो भी जल्दी करो. कह रहे हैं कि जे इज द सन ऑफ पी, जे क्या है बेटा, बेटा है किसका, पी का, राइट. पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, पी जो है बहन है क्यू की, क्यू इज द सन ऑफ एम, क्यू जो है बेटा है एम का. सो आपसे पूछा है हाउ एम इज रिलेटेड टू पी, हाउ एम इज रिलेटेड टू पी, एम किस प्रकार रिलेटेड है पी से, ठीक है.
एम जो है पी से किस प्रकार रिलेटेड है, बोलो बताओ। तो देखिए, अगर एम का पूछा है कि एम क्या लगता है पी का, तो एम क्या लगता है, इसका मतलब एम का जेंडर पता होना जरूरी है हमें, जेंडर पता होना चाहिए। आप सभी जानते हैं या तो मेल होगा या फीमेल होगा, क्योंकि तीसरे जेंडर को हमारे ब्लड रिलेशन टॉपिक ने अभी मान्यता नहीं दी है, बाकी भले ही सरकार ने दे दी है, ठीक है, ट्रांसजेंडर के लिए सरकार ने भले ही दे दी है। और आप सभी देख रहे हैं कि जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो फॉर्म फिलअप करते समय वहाँ भी ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, ठीक है, तो सरकार ने मंजूरी दे दी, लेकिन इस टॉपिक में अभी उसको मंजूरी नहीं मिली है, इसलिए हमारे पास जेंडर सिर्फ क्या होंगे, दो होंगे, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है, क्लियर। तो मेल होगा फीमेल होगा, इसका मतलब ये क्या है कि या तो ये आपकी मदर होगी एम पी की, या आपकी कौन होंगे, फादर होंगे। आप कहेंगे सर हमें ऑप्शन डी में इस प्रकार से दिया गया, या तो मदर या फादर, इसके अलावा कोई और तो नहीं हो सकता, ठीक है ना भाई, जेंडर पता नहीं, लेकिन ऑब्वियसली ये तो या तो मेल या फीमेल, मेल है तो फादर है और फीमेल है तो मदर है, ऑप्शन डी में इस प्रकार की सिचुएशन आपको दी गई है, आइदर भी मदर और फादर, या तो मदर होंगी या फादर होंगे, डेफिनेटली इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो चलें अगले प्रश्न की ओर, एक बार कमेंट कर दीजिए अगर सभी को बात समझ आ रही है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास करिए सभी बच्चे जल्दी से। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें और समझदारी के साथ इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करें। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है बच्चे, जल्दी से बताएंगे सभी के सभी क्या होगा, तेजी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर करिए सभी बच्चे, जल्दी से इस क्वेश्चन को आंसर करना है सभी को बेटा, ध्यान से देख लो और बताने का प्रयास करो सभी बच्चे जल्दी से। देखिए भाई, कह रहा है कि अनिल इज द हस्बैंड ऑफ सुमन, अनिल जो है वो क्या है बच्चों, हस्बैंड है। आपको मैंने बताया था मैरिड कपल के केस में, कि मैरिड कपल के केस में सबसे खास बात ये होती है कि अगर किसी का जेंडर एक का पता है हमें, अगर वो मेल है तो डेफिनेटली वो दूसरा क्या होगा, फीमेल होगा। इफ अनिल इज हस्बैंड, सो अनिल मेल, सो सुमन विल बी फीमेल, सुमन क्या होगी प्यारे साथियों, फीमेल होगी, राइट, दे आर कपल्स, मैरिड कपल्स, राइट। हु इज द डॉटर ऑफ पंकज, सुमन क्या है बच्चा, डॉटर है, बेटी है किसकी, पंकज की। राहुल इज द ओनली ब्रदर ऑफ सुमन, राहुल जो है वो केवल इकलौता भाई है किसका, दैट मीन्स सुमन का कोई और भाई नहीं है, राहुल ही है। अब आपसे पूछा गया, बताइए आपका अनिल जो है वो किस प्रकार रिलेटेड है राहुल से, अनिल जो है वो राहुल से किस प्रकार रिलेटेड है। अरे तो भैया, अनिल की वाइफ सुमन और सुमन का भाई राहुल, ठीक है, तो अनिल कौन हुए, अनिल हो गए कौन, जीजा जी, ठीक है, जीजा जी, जो जीजा जी कहेंगे वही सुनना पड़ेगा, दैट मीन्स ब्रदर इन लॉ, क्या हो गया, ब्रदर इन लॉ। सो किस ऑप्शन में दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया, सो द राइट आंसर विल बी फर्स्ट। आई होप ये बात क्लियर सभी को, जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो क्या ये बात क्लियर है या नहीं, हाँ है ना, बोलो, अरे बात समझ आ रही है, अरे बात समझ आ रही है तो फिर हाँ बोलो ना, हाँ। चले अगले प्रश्न की ओर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही है, ध्यान से देख लीजिए और बताइए, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखें, ध्यान से बताने का संभव प्रयास करेंगे जल्दी से, और कमेंट में आप लोग जल्दी से आंसर क्या करें, मैं आप सभी को फिर बता रहा हूँ कि एटलीस्ट कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो कमेंट में आंसर ना करें, मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि एटलीस्ट कमेंट में तो आप सभी जवाब दिया करें, कोई भी बिना कमेंट किए ना जाए, कमेंट करें हर हाल में, कोशिश करें कमेंट में आंसर करने की सभी के सभी। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है प्रेजेंट एज ऑफ रोहित एंड मोहित आर 48 एंड 32, रोहित और मोहित की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 48 और 32, ठीक है। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ एज ऑफ रोहित एंड मोहित 12 इयर्स एगो, 12 साल पहले, अरे भैया 12 साल पहले इसकी एज कितनी रही होगी, 36 साल रही होगी, इसकी कितनी रही होगी, 20 साल रही होगी, ठीक है, अनुपात पूछा है तो अनुपात निकाल दीजिए। आप कहेंगे सर 4 × 36 = 4×5=20, 9 × 5 = 5 रही होगी, किस ऑप्शन में दिया गया, आप कहेंगे सर बी ऑप्शन में दिया गया। ऐसे फोहड क्वेश्चन पूछे जाएंगे एसएससी एमटीएस में, ऐसे नकली प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे किसको, किसने, एसएससी एमटीएस, और चाहे फिर एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, ठीक है, चाहे फिर वो आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट क्यों ना हो, राइट, क्या ये बात क्लियर सभी को, जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो क्या ये बात आप सभी को क्लियर है, हाँ है ना। चले अगले क्वेश्चन की ओर, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देख लो और बताने का प्रयास करो सभी के सभी, जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लीजिए और बताने का संभव प्रयास करिए सभी के सभी क्या होगा भाई इसमें, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए सभी के सभी क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो और बताओ बेटा, कमेंट में आंसर्स भी करते रहें साथ के साथ, मैं आप सभी से बोल रहा हूं कि एटलीस्ट कमेंट में जवाब जरूर दिया करें, कुछ भी दें, किसी भी प्रकार से आप कमेंट में आंसर करें, लेकिन कमेंट में आप सभी जवाब देंगे,
ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देख लीजिए और बताइए सभी के सभी क्या होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, बताइएगा क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। ध्यान से देख लो और बताने का प्रयास करो सभी के सभी। चलिए बेटा बोलिए भाई, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए सभी के सभी क्या हो सकता है। ए बी एंड सी, ए बी सी, ए कितने दिन में 48, बी कितने दिन में 12, सी कितने दिन में 24, राइट। कह रहे ए बी एंड सी टूगेदर कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। भैया ए बी सी अगर मिलकर काम करें तो वो अपना अपने काम का 2/3 काम कितने दिन में कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो आप सभी इनका एलसीएम निकाल लीजिए, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, टोटल वर्क क्या आएगा भाई इसका, ऑब्वियसली इसका 48 होगा एलसीएम, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 1, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 4, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 2, ठीक है, क्लियर। अब आपने क्या करना है, अब आपने ऑब्वियसली इसका टोटल सम किया, ठीक है, क्योंकि इसका क्या टोटल सम किया, तो टोटल सम करने पर कितना है भाई, आप कहेंगे 4, 2, 6 और 1, 7, कितना आ गया बेटा 7 आ गया, ठीक है। सो आपने क्या किया 48/7, लेकिन हमने कितना निकालना है इसका 2/3 निकालना है, 2/3 निकालेंगे तो कितना होगा 3 × 3 = 18, मतलब 32/7, 2/3 कितना होगा 2/3 कितना होगा उसका 32/7 होगा, 2/3 कितना होगा 32/7 होगा। आई होप ये बात क्लियर सभी को। सो किस ऑप्शन में दिया गया, ये आपको किस ऑप्शन में दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया। आई होप ये क्लियर सभी को, जल्दी से इस बात का जवाब दे दीजिए सभी के सभी, क्या ये बात क्लियर है सभी को या नहीं। हाँ यार बोलो जल्दी से, क्या ये बात आप सभी को क्लियर, बच्चों जल्दी से एक बार कमेंट में बता दो क्या ये बात आप सभी को क्लियर है या नहीं। हाँ यार बोलो, बताइए। चले अगले क्वेश्चन की ओर, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देख लो और बताओ जल्दी से, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देख लीजिएगा और बताइएगा सभी के सभी क्या हो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखो और बताओ जल्दी से, जल्दी करो क्विकली क्विक फास्ट। चलो बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो। कह रहा है कि भी दिए गए क्वेश्चन में 4 आंसर फिगर है आपको, विच आर 3 आर सिमिलर इन सेम मैनर, मतलब इनमें से 3 कोई एक सेम मैनर में है, लेकिन एंड 1 इज नॉट लाइक द अदर्स, मतलब कोई एक ऐसा है जो उनमें से अलग है, जो उनसे अलग है। सो विच इज ऑड वन आउट, सो फाइंड करिए वो कौन सा है, वो कौन सा भिन्न है, सेलेक्ट द फिगर विच इज ऑड वन आउट, राइट। सो आपने कहा कि सर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मैंने कहा कि जो ये ट्रायंगल्स आपको दिए गए हैं, यहाँ पर ये है, ठीक है, यहाँ पर ये भी 3 ट्रायंगल्स है, यहाँ पर ये भी 3 ट्रायंगल्स है, लेकिन सर यहाँ मैंने देखा तो यहाँ पे ट्रायंगल्स कुछ अलग तरीके से, जैसे ये क्या है, ये इसके साथ में अटैच है इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है ये वाला पार्ट आपका इससे अटैच है, ठीक है। ठीक है ना, इसीलिए आपने कहा देखो यहाँ भी ये भी, तीनों में देख लीजिए, यहाँ भी तीनों में देख लीजिए, यहाँ भी तीनों में देख लीजिए ये वाला, लेकिन यहाँ देखेंगे तो ये वाला जो, जैसे ये वाला जो पार्ट है ना ये इससे अटैच है, जबकि बाकी किसी और ऑप्शन में ये वाला जो इसका नुकीला वाला पार्ट है, ये वाला दैट पार्ट, ये बाकी इस तरीके से जैसा या आपको बी ऑप्शन में दिखाया गया, ये वाला ये सिर्फ आपका इसी में ही ऑप्शन में है, बाकी किसी और ऑप्शन में आपको नहीं दिखेगा, इसीलिए यही भिन्न है आपका बी ऑप्शन, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आई होप ये बात क्लियर सभी को, जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए अगर ये बात समझ आ रही है प्यारे साथियों, तो एक बार जल्दी से बताया करें। ये जो आपका मॉक टेस्ट चल रहा है, मैं आप सभी से फिर बता रहा हूँ, ये मॉक टेस्ट सिर्फ आप लोगों के लिए है, आप सभी रेगुलर आए, सेशन मिस ना करें, इंपॉर्टेंट सेशन है, मैं आप सभी से फिर बता देता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए और बताइए सभी के सभी क्या होगा, इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देख लीजिए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ध्यान से देखिए और बताइए बच्चों, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी के सभी बच्चे मिलकर, जल्दी से इस क्वेश्चन को बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, बोलो। बताइए
In the given question, there are four figures given, out of which three are similar in some manner and one is not like the others. Select the figure which is odd one out. Which is odd one out, right? अब देखिए ध्यान से क्या होगा भाई इसमें. बोलो. आपने कहा कि सर हमने इस फिगर को देखा, इस फिगर को भी देखा, इस फिगर को भी देखा और इसको भी देखा. तो मैंने कहा कि सर ये वाला पार्ट और दैट पार्ट विल बी इन सेम डायरेक्शन. ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे के डायगोनली है. ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम डायरेक्शन में है. ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम डायरेक्शन में. लेकिन रेस्ट इसी में ही नहीं है ऐसा. बाकी सभी में क्या है, सेम है. लेकिन ये जो सिर्फ ये ऑप्शन है इसमें ऐसा नहीं है, वो सेम डायरेक्शन में नहीं है. तो यही आपका क्या हो जाएगा, इन सभी से भिन्न या ऑड होगा या सेम मैनर में नहीं होगा. ठीक है, या फिर कह सकते हैं यू कैन से कि वो सेम मैनर में उसके जैसा नहीं होगा. क्या ये बात क्लियर, समझ आ रही है? सिंपल है ना. सो सिंपल बच्चे, जल्दी से अगले प्रश्न की ओर देखते हैं. अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या बोल रहा है बेटा, ध्यान से देखेंगे और इस क्वेश्चन का जवाब देने की प्रयास करेंगे सभी के सभी. जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए सभी के सभी, क्या हो सकता है. ध्यान से देख लो और बताने का प्रयास करो सभी के सभी, क्या हो सकता है बेटा, बोलो भाई. इन द गिविंग क्वेश्चन देयर आर फोर फिगर्स गिवन, आउट ऑफ व्हिच थ्री आर सिमिलर इन सम मैनर एंड वन इज नॉट लाइक द अदर्स. सेलेक्ट द फिगर व्हिच इज ऑड वन आउट. सेलेक्ट द फिगर व्हिच इज ऑड वन आउट. बोलो जल्दी. बताइए, बोलो जल्दी. तो आपने देखा कि सर ये सिंपल है, यहाँ पर सिर्फ एक आपका क्या है इस तरीके से, यहाँ भी एक इस तरीके से, यहाँ भी एक इस तरीके से. ठीक है, लेकिन यही आपका कैसा है, यही आपके दो हैं ऐसे. ठीक है, ये फिगर आपके कैसे यहाँ पर दो हैं. ठीक है, तो ये तो भिन्न हो जाएगा फिर इसीलिए. तो ये तो बहुत सिंपल था, इसको बताना तो बहुत ही ज्यादा सिंपल, बहुत ज्यादा मतलब कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, यू कैन से कुछ था ही नहीं. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब. अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देख लो और बताने का प्रयास करो सभी के सभी. जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी के सभी, क्या होगा बेटा, ध्यान से देख लीजिए और बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, तेजी के साथ, गलती ना हो, गलती की गुंजाइश नहीं होगी किसी भी तरीके से. ध्यान से देखो, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज. ठीक है, आपको मिसिंग नंबर बताना है, राइट. चलिए देखिए इसमें क्या कह रहा है, 4, 6, 10, 18 एंड देन 34 और क्वेश्चन वन. ठीक है, आप सभी देखिए कितना डिफरेंस है, 2, कितना डिफरेंस 4, कितना डिफरेंस 8, कितना डिफरेंस आपके पास 16. सो हर बार इसका 2 टाइम, दो गुना हो रहा है, हर बार इसका दो गुना, हर बार इसका दो गुना. सो नेक्स्ट विल ऑल्सो भी 2 टाइम, दो गुना उसका. तो 16 दूनी 32, तो भैया 32 दूनी 64 और 2 66, किस ऑप्शन में आपको दे रहा है, बी ऑप्शन में आपको दिया गया. तो द राइट आंसर विल बी बी, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा. आई होप ये क्लियर सभी को. जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो क्या ये बात क्लियर है सभी को या नहीं. हाँ यार, तेजी के साथ इस क्वेश्चन का बताएंगे क्या ये बात आप सभी को समझ आई. चले अगले क्वेश्चन की ओर, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ही रहा, ध्यान से देख लीजिए और बताइए सभी के सभी क्या होगा भाई. अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देख लो और बताने का प्रयास करो सभी के सभी क्या होगा, तेजी के साथ, गलती ना, ना बाबा गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से, गलती नहीं होनी चाहिए. मैं आप सभी से फिर बोल रहा हूँ, गलती ना हो किसी भी तरीके से, ध्यान से देख लीजिए. चलिए बताइए सभी के सभी क्या होगा इस क्वेश्चन का, बोलिए भाई बताइए. फोर नाइन डिफरेंस विल बी 5, 9, 19 डिफरेंस विल बी 10, 19, 39 डिफरेंस विल बी 20, राइट. हर बार दो गुना है, 5 × 10, 10 × 20, सो नेक्स्ट विल बी 40. ठीक है, तो 40, 40, 80 एक कम कर दो 79, किस ऑप्शन में है आपके पास, बी ऑप्शन में आपको आंसर दिया. सो द राइट आंसर विल बी बी. मतलब ऐड करने का तरीका भी मैं बता तो रहा हूँ, मैं आपको बोल चुका हूँ कि यहाँ आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ अप्रोच भी सिखाई जाएगी कि आप कैसे सेकंड्स में इस क्वेश्चन का आंसर कर दें. आप इस बात को समझ रहे हैं ना,
कि भी जब आपको यही तरीका बता दिया जाए कि आपको किस तरीके से कैसे सेकंड्स में क्वेश्चंस का जवाब दे देना है, तो आई होप मुझे लगता है कि फिर उसके लिए कुछ और बचता ही नहीं है। और मैं आप सभी से फिर इसलिए बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि आप सेशन में जुड़े तो सही एटलीस्ट। जब तक आप सेशन में जुड़कर आप अपनी बात को बताएंगे नहीं, आप अपने अपने डाउट्स को नहीं बताएंगे, अपने डाउट्स को शेयर नहीं करेंगे, तो फिर क्या ही हो सकता है, बोलिए। तो मैं आप सभी से फिर बोल रहा हूँ, अभी जुड़ जाइए, जुड़ने का सबसे बढ़िया फायदा भी है, ठीक है। मिस ना करें सेशन को, कमेंट किया करें, कमेंट बिल्कुल भी ना ऐसा ना करें, कमेंट को स्किप करें, कमेंट बिल्कुल भी स्किप ना करें, कमेंट्स जरूर किया करें सभी के सभी। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी के सभी क्या होगा, ध्यान से देख लीजिए और बताने का प्रयास करिए सब लोग। चलिए बेटा जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए सभी के सभी क्या होगा भाई। In the following question, select the number which can be placed at the sign of question mark from the given alternative. Yes, right. ध्यान से देख लीजिए क्या कह रहा है, ठीक है। आपने देखा कि सर यहाँ इसने डायरेक्शन चेंज की, ये टॉप से बॉटम आ गया और एक लाइन और ऐड हो गई, राइट। सिमिलरली यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी ए बॉटम से टॉप पर चला गया, एक लाइन और ऐड हो गई, राइट, ठीक है। चलिए कोई इशू नहीं, यहाँ पर भी टॉप से बॉटम आ गया, फिर एक लाइन और ऐड हो गई। फिर आपने कहा कि सर अभी ये बॉटम से टॉप पर जाएगा, तो बॉटम से टॉप पे इस तरीके से तो नहीं जाएगा बिल्कुल भी, ठीक है। इस तरीके से नहीं, क्योंकि इधर साइड तो नहीं आ सकता ना, रहेगा तो ये वाला पार्ट इधर साइड ही ना, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब मुझे बताइए, जब ये पार्ट शिफ्ट होगा, ठीक है, शिफ्ट होने के बाद ये आपका नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे की तरफ आएगा तो कैसे होना चाहिए बताओ, ये वाला होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए नहीं भाई। जब आप इसको बॉटम से टॉप शिफ्ट करेंगे तो ये वाला पार्ट कैसे दिखेगा, ये वाला पार्ट इस तरीके से दिखेगा, तो लाइन ऊपर से नहीं जा सकती, यहाँ से जाएगी ना नीचे से। यहाँ देखिए कैसा दे रखा है, ऐसा तो नहीं है ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाया गया ये यहाँ तो नहीं है, लेकिन यहाँ है ये वाला पार्ट इस तरीके से। तो इसीलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आई होप आई थिंक आप सभी को ये बात क्लियर है, जल्दी से एक बार कॉमेंट करके बता दो क्या ये बात क्लियर सभी को, हाँ या ना, बोलिए बच्चों हाँ या ना, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे क्या ये बात क्लियर सभी को। तेजी के साथ चलें अगले प्रश्न की ओर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देख लो और बताने का प्रयास करो। कह रहा है कि भी जो दिया गया प्रश्न है उसमें बताना है सेलेक्ट द नंबर विच कैन बी प्लेस्ड एट द साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, वही लॉजिक सेम लगाना है जो उधर से चलता हुआ आ रहा है, वही फॉलो, वही पैटर्न आपको बताना है और ऑप्शंस आपको गिवन है। बताइए जल्दी से ऑप्शंस की हेल्प लीजिए और जल्दी से इसमें बताने की कोशिश करें सभी के सभी, तेजी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग, गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आप सीधी सी बात है, मतलब बच्चा मैंने आप सभी को बताया है बेटा कि ऑप्शंस आपकी निगाहों में गढ़ जाने चाहिए। आपने कहा कि सर हर एक में पॉइंट है, बिंदु है, लेकिन क्या पहले के दो ऑप्शन में ऐसा है, नहीं, तो ये तुरंत आप इसको गलत कर दीजिए। इनको देखना भी गुनाह है, इनको देखना पाप है, इन ऑप्शंस को आप, फिर इनमें दो में लड़ाई होगी, इन दो ऑप्शंस में लड़ाई होगी। तो आपने कहा कि सर क्यों ना साइन को कर ले, क्योंकि और हमारे पास कुछ और बचता ही नहीं है। तो भाई साइन देखो ना, पहले यहाँ है फिर यहाँ आ गया, ठीक है, इसका मतलब ये है कि भी क्या चल रहा है 45 डिग्री का, फिर यहाँ आ गया वो भी क्लॉक वाइज, फिर यहाँ आ गया, अब कहाँ आना चाहिए, अब ऐसे आना चाहिए। अब डायगोनली सिर्फ आपका किस में है, इसी में है, क्योंकि ये डायगोनली तो नहीं है, ये तो स्ट्रेट है, ये कैसा, ये डायगोनली, तो ये किस ऑप्शन में, सिर्फ डी ऑप्शन में, फोर्थ क्वेश्चन नकली प्रश्न कुछ था। मैंने कहा ना कि रीजनिंग अगर समझ लिया तो बच्चे आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट अप्रोच सीखना पड़ेगा। रीजनिंग सब करेगा बच्चे, लेकिन बच्चा क्यों पास नहीं कर पाता, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपको इजी दिया गया उसमें आपने अप्रोच सीखी नहीं, उसमें सिर्फ आप पढ़कर आ गए, लेकिन वो नहीं जरूरी थी पढ़कर आना। पढ़कर आने के साथ साथ आपको अप्रोच सीख कर आनी है कि कैसे हम सर एक मिनट के क्वेश्चंस को, रोहित सर आप मुझे ऐसा बताइए कि कैसे हम उसको 10 सेकंड में सॉल्व कर लें, जिससे कि हमारी 50 सेकंड बच जाएं और उन्हें हम मैथ वाले सेक्शन में कहीं ना कहीं लगा लें, ठीक है, उन्हें कहीं ना कहीं मैथ वाले को डिवोट कर दें। तो वो सीखने आना पड़ेगा आप सभी को, वो घर बैठे वो खुद से नहीं आ पाएंगी चीज़ें, वो आपको अप्रोच सिखाई जाएंगी, उन अप्रोच को फिर आप खुद से फिर इम्प्लीमेंट करेंगे,
तब जाकर कहीं आप ये कह पाएंगे कि भाई हाँ, जिन क्वेश्चंस को मैं मिनट में कर पाता था वो क्वेश्चंस अब मैं सेकंड्स में भी कर लेता हूँ। लेकिन पहले सीखना होगा, इंप्लीमेंट करना होगा, तब एग्जाम में परफॉर्म करना होगा। आप क्या कर रहे हैं? आप खुद से कर रहे हैं, अब सीधा इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस कैसे हो जाएगा? सीधा इंप्लीमेंट नहीं होता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देख लो और बताओ। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से बताने के प्रयास करिए सभी के सभी क्या हो। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देख लीजिए और बताने का प्रयास करिए सभी के सभी बच्चे। और सभी को मैं बता दूं कि भी 11 से 12 आपकी इंग्लिश की क्लास होनी है, कोई भी स्किप ना करे, कोई भी मिस ना करे सेशन को। ठीक है, बताइए, जल्दी से बताइए सभी के सभी क्या होगा, बोलो। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वही सेम, अभी वही लॉजिक चल रहा है। तो आपने क्या देखा कि सर ये दो हैं आपके पास, अब ये दो हैं, एक दो क्लॉकवाइज रोटेट होके इस तरीके से ऐसे हुए, दो तीसरे नंबर पर यहाँ आ गया, ये यहाँ पर एक दो छोड़कर यहाँ पर आ गया। सिमिलरली फिर आपका क्या हुआ है, यहाँ से क्लॉकवाइज फिर ये एक दो तीसरे पर यहाँ पर आ गया, ये आपका यहाँ से एक दो दूसरे पर यहाँ पर क्लॉकवाइज, ऐसे फिर सिमिलरली यहाँ पे दो। अब क्या आएगा, अब दो यहाँ पर आना चाहिए, स्क्वायर स्क्वायर अब आपका कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, और ट्रायंगल आपका कहाँ आना चाहिए, एक दो तीन यहाँ आना चाहिए। दैट मीन्स सेम उसमें आएंगे ये दोनों, सेम उसमें। आपने कहा कि वर्टिकली, वर्टिकली ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। आपको सिर्फ ये नहीं देखना, चेक नहीं करना, मैंने क्या कहा, ऑप्शन ही आपको खुद कह देगा कि मैं ये रहा, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। आपने देखा कि इस तरीके से आएगा, ऑप्शन में खुद कह दिया मैं तो सिर्फ अकेला ही हूँ, इस तरीके से कोई और है ही नहीं। तो यही तो थी। अब आप क्या करते, पहले निगाह डालते कि ट्रायंगल ऊपर है, है, स्क्वायर नीचे है, है, नहीं। अरे भाई बस इस तरीके का देख लीजिए मॉडल, इस तरीके से मॉडल आ रहा है, नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन मार्क में नहीं। आपने कहा सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, बाकी किसी में नहीं, बस खत्म करिए बात को। तो यही तो सीखना है आपको, करना क्या है मुझे ये बताइए, यही चीज तो सिखानी है आपको, तभी तो आप सेकंड्स में आप कहीं ना कहीं समय बचाकर आप अगले क्वेश्चन मैथ वाले क्वेश्चन में, मैथ वाले सेक्शन में आप समय दे पाएंगे। भैया अगर मैथ में अगर आपने कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर करना है तो बाकी सब्जेक्ट्स में आपने समय बचाने की हर संभव प्रयास करना है, जितना आपसे हो सकता है, अदरवाइज फिर पॉसिबल नहीं है। मैं आप सभी को बता रहा हूँ, फिर मत कहना कि रोहित सर ने बताया नहीं था, रोहित सर ने बताया था लेकिन आपने नहीं सुना था, रोहित सर ने तो बताया था लेकिन आपने नहीं सुना था, मैं आप सभी को फिर बोल रहा हूँ, ठीक है, आपने सुन लेना था। चलिए आ जाइए, देख लीजिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, ध्यान से देख लीजिएगा और बताइएगा सभी के सभी क्या होगा। भाई जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए सभी के सभी क्या होगा। बेटा बोलो भाई, बताइए, फ्लॉक 47 राइट, स्टेयर्स 67 राइट, रस्ट क्या होगा भाई, जल्दी से बताना है सभी को। फ्लॉक, स्टेयर्स, रस्ट, तेजी से इस क्वेश्चन के जवाब देंगे सभी के सभी क्या होगा। बताइए बच्चों जल्दी से, नंबर ऑफ प्लेस वैल्यू देख लीजिए, 6, 12, 15, 3, 11, 12, 6, 18, 15, 33, 3, 36, 36 और 11 कितना होगा 47 राइट, सिंपल है। स्टेयर्स 19, 21, 9, 18, 19, 19, 19, 38 38 और ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 56, ये कितना हो जाएगा 56 और ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा भाई स्टेयर्स का, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है, स्टेयर्स
19, 20, 1, 9, 18 और 19. ये कितना हो गया अभी? 18, 18, 36, 37, 37, 57, 57 और 10, 67. मतलब ये स्टेयर है बेटा, स्टेयर्स नहीं है, ठीक है? ये स्टेयर है, स्टेयर्स नहीं है, इसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना? क्योंकि आप देखिए यहाँ से समझ सकते थे, देखिए ये समझाना मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको ये भी बताऊंगा समय बचाना, मैं आपको यहाँ भी बताऊंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमसे हमारी टाइपिंग टीम जो कभी कभी हो जाता है, लिखना चाहिए था स्टेयर, लिख दिया स्टेयर्स, अब इस एस की वजह से पूरा घोटाला हो जाएगा, अब सोचता रहेगा, परेशान हो जाएगा, बच्चा कोई देख रहा होगा, अगर ऐसा कुछ उसके साथ हो जाए तो वो तो रो देगा बिल्कुल, कि इतना इजी क्वेश्चन यार क्या हो गया, मतलब पहले का तो लॉजिक फाइंड कर लिया और वाकई में परफेक्ट था, लेकिन सेकंड में क्या ऐसा हुआ है, तो ये नहीं होगा, राइट? अब इसको देख लीजिए, रस्ट 18, 18, 18, 36 और 1, 37, 37 और आपका ये कितना हो जाएगा 21, तो 37, 47, 57 और एक आपका कितना हो गया 58, 58 के बाद 68 और 68 के बाद 78, किस ऑप्शन में दिया गया 78, मतलब डी ऑप्शन में दिया गया, डी ऑप्शन में आपको इस तरीके से मिल रहा है। आई होप ये बात क्लियर सभी को, जल्दी से इस बात का जवाब दे दीजिए, क्या ये बात आप सभी को क्लियर है? नहीं, हाँ या ना, बोलो जल्दी से बेटा, कमेंट तो एटलीस्ट कर दिया करो, अरे कम से कम कमेंट तो किया करें, सभी के सभी देखते रहेंगे मूर्ति बनकर, क्या ऐसे काम हो सकता है, क्या ऐसे काम हो सकता है क्या, बोलो, हाँ नहीं ना? चलिए इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी के सभी, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखेंगे और बताएंगे सभी के सभी क्या होगा बेटा, ध्यान से देख लो और बताने का प्रयास करो सभी लोग, जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लीजिए और बताइए क्या होगा बच्चे, तेजी के साथ इस क्वेश्चन का जवाब देना है, गलती नहीं हो बस किसी भी तरीके से, गलती ना हो किसी भी तरीके से, बताओ सभी के सभी क्या होगा, जल्दी से देख लीजिए, साइंस एस सी आई ई एन सी ई वी जेड एल बी क्यू जेड एच, राइट? आपको क्या बताना है, फ्रस्टम एफ आर यू एस टी ओ एम, इसका बताना है। तो अब देख लीजिए क्या है अभी, आपने कहा कि सर क्या हो सकता है, एस टी यू वी 19+3=22, राइट? 19 और 3=22, यहाँ से देखेंगे जेड ए बी सी पीछे की तरफ -3, यहाँ देखोगे आई जे के एल +3, यहाँ देखोगे बी से ई -3, यहाँ एन ओ पी क्यू +3, यहाँ जेड से सी फिर ऑब्वियसली -3, ई से एच +3, एक बार ई +3, एक बार -3, एक बार +3, 6, 3, 9 मतलब आई, 18 में से 3 गया 15 मतलब ओ, आई ओ किस ऑप्शन में दिया गया, सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया, तो अगर कोई बच्चा इस चीज को नहीं देख रहा होगा तब गड़बड़ हो सकती है, लेकिन अगर वो देख रहा होगा ध्यान से तो फिर गड़बड़ होने के चांसेस है ही नहीं, फिर किसी भी तरीके से फिर गड़बड़ होने के चांसेस है ही नहीं। अब आपको सारा कुछ देखने का जरूरत था नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपने बी ऑप्शन में इस तरीके से चीज को देख लिया, सो द राइट आंसर विल बी बी, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आई होप ये बात क्लियर सभी को, जल्दी से इस बात को बता दीजिए, क्या ये बात आप सभी को क्लियर है? नहीं, हाँ या ना, बताइए। बताइए क्या ये बात क्लियर सभी को, हाँ या नहीं? चलो बोलो जल्दी, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देख लो और बताओ क्या होगा बच्चे, बताइए बेटा, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए सभी के सभी क्या होगा भाई। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा ही सुंदर सा प्रश्न आपके सामने है बेटा, ध्यान से देख लीजिएगा। ऑब्वियसली अगर 5 और 12 के कॉम्बिनेशन से अगर मुझे 65 लाना है, कैसे ला सकते हो? पहले तो मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 आएगा, फिर सेम यही नंबर को ऐड करूंगा तो 65 आ जाएगा। इसमें देखिए आपने कहा 14, 97, 98, फिर यही सेम नंबर मैं इसमें ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 105। सिमिलरली 39 या 170, लेकिन सिमिलर नंबर ये भी सेम ऐड करूंगा इसमें तो कितना आ जाएगा 126। किस ऑप्शन में दिया गया, किस ऑप्शन में दिया गया? आप कहेंगे सर ऑब्वियसली बी ऑप्शन में दिया गया, सो द राइट आंसर विल बी बी, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आई होप ये क्लियर सभी को, जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो क्या ये बात क्लियर है या नहीं, हाँ या ना, बोलो जल्दी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देख लो और बताने का प्रयास करो सभी बच्चे। तेजी के साथ इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते। बोलो भाई जल्दी से इस क्वेश्चन का, इस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, चलो बताओ जल्दी से क्या होगा भैया, बताओ भाई जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लीजिए और बताइए। बताओ भाई जल्दी से बोलो बताइए। तो आपने कहा कि भाई सर ये वाला पार्ट इधर से शिफ्ट हो गया, फिर इधर शिफ्ट हो गया, तो नेक्स्ट इधर आएगा। इस ऑप्शन में ऐसा नहीं है, ये गलत हो गया। अब ये तीन ऑप्शंस में ऐसा है, अब इसका मतलब इसका तो कोई रोल रहा नहीं। नीचे वाला को देखिए, आपने कहा यहाँ से यहाँ डायगोनली शिफ्ट हो गया, फिर यहाँ से यहाँ, तो ऑब्वियसली अब यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, किस ऑप्शन में है? आपने कहा सर इसमें नहीं है, सर इसमें है। ठीक है, अब आपके पास किन ऑप्शंस में है? अब इन दो ऑप्शंस में बी और डी। आपने कहा ठीक है सर, आपने कहा सर स्क्वायर यहाँ हो गया, फिर स्क्वायर यहाँ गया, अब नीचे आ जाएगा स्क्वायर। अब स्क्वायर यहाँ भी है लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ये गलत हो गया। बचा कौन सा? डी ऑप्शन भी करेगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? सही जवाब होगा। आई होप ये बात क्लियर सभी को। जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो क्या ये बात समझ आ रही है या नहीं। हाँ या ना बोलो, जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी के सभी क्या ये बात समझ आ रही है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देख लीजिएगा और बताइएगा सभी के सभी क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखो और बताओ। चलो बच्चों तेजी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी के सभी, क्या होगा भाई ध्यान से देख लीजिए और बताइए। बोलो भाई, आपने कहा कि सर हमें एक स्क्वायर शेप दी गई, उसको डायगोनली कट किया गया, देन अगेन फिर आफ्टर डायगोनली फिर कट किया गया, अब फिर उसमें कुछ इमेजेस को कट किया किसी रूप में, जैसे एक सर्कल के रूप में, एक रेक्टेंगल के इस तरीके से रूप में, एक स्क्वायर के इस रूप में ऐसे कट किया गया। अब आपसे बोला गया कि भाई अब इसको आपने ओपन कीजिए, तो मैंने बताया है तरीका कि आप किस प्रकार से ओपन करेंगे। पीछे की तरफ से ओपन करेंगे, तो पहले ये वाला पार्ट डायगोनली ओपन होगा। ठीक है, तो मैंने कहा था जहाँ से ओपन होगा तो वहाँ आप मिरर लगा लीजिए। मिरर लगाने पर किस प्रकार से दिखेगी ये इमेज? इस तरीके से हॉरिजॉन्टली दिखेगी। देखिए ये सिर्फ माइंड में फिक्स कर लीजिए। अब आपको इतना पार्ट आपने देख लीजिए, यहाँ से ऐसे करके ये वाला पार्ट। अब देखिए ये कट कर रहे हैं तो बीच में ये कहाँ आ रहा है, क्या आ रहा है? नहीं आना चाहिए ना, देखते ही राउंड कर दीजिए। ये हमें कहता है ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड, कि ऑप्शन को इलिमिनेट इस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, इस बात को समझना होगा आप सभी को। अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास आप खुद बताइए, मैं अगर इस पार्ट को यहाँ शिफ्ट करता हूँ, ठीक है, तो मुझे किस प्रकार से दिखेगा बताओ जल्दी से, मुझे किस प्रकार से दिखना चाहिए? बोलो बताओ भाई। तो आपने कहा कि सर जब मैं इस वाले पार्ट को ऐसे करके शिफ्ट करता हूँ, तो ये सर्कल इधर आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो नहीं आया। आपका इधर देखेंगे तो यहाँ सर्कल आया है, लेकिन ठीक है इन दो ऑप्शंस में तो आया है। ये वाला पार्ट सेम है यहाँ भी और यहाँ, लेकिन आपने देखा कौन कौन से ऑप्शन हमने देखे? ये वाला बी और सी ऑप्शन, ठीक है, ये वाला सेम है, ये भी सेम है। ये अब ये वाला पार्ट जब इधर शिफ्ट होगा तो भाई आपका सर्कल किधर जाना चाहिए? आप कहेंगे सर सर्कल तो यही रहना चाहिए था। मैंने बताया है बच्चों, मिरर लगाने के बाद जो मिरर के नज़दीक है वो मिरर के नज़दीक रहेगा, जो मिरर से दूर है वो मिरर से दूर जाएगा। ये सिंपल सी बात है, बहुत बेसिक सी बात है, राइट? लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन भी गलत। तो बचा क्या? बी ऑप्शन, राइट। अप्रोच सीखनी है बस, ऑप्शन इलिमिनेट कैसे करते हैं और अप्रोच क्या है इसकी, अगर ये दो चीजें सीख गए पेपर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा जब आप बैठे होंगे पेपर में। ठीक है, बात समझ रहे हैं या नहीं? हाँ या ना? चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देख लीजिएगा और बताइए। ये तो हमने कर लिया, आई थिंक इसको रहने दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको देखिए।
सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा। देख लीजिए 12149, तो 21 का क्या होगा ये देखना है। आपने कहा कि सर 12 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे सर 12 का स्क्वायर 144, कितनी और कमी है इसमें, 5 की कमी और है, तब हमारे पास 149 है। 21 का कितना होता है 441, 5 और जोड़ देंगे कितना जाएगा 446 आ जाएगा। लेकिन कुछ बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है, 441 भी दिया गया है, लेकिन सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों क्या है, सही जवाब। आई होप ये क्लियर सभी को, जल्दी से एक बार बता दीजिए क्या ये बात क्लियर, हाँ या ना। चलिए अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्योंकि समय भी हो गया है, ठीक है। चलिए बेटा इस क्वेश्चन को देख लीजिए तेजी के साथ और कमेंट में आंसर करना, ठीक है। सभी लोग कैसा सेशन लगता है बताया करें, उसी प्रकार से हम चीज़ों को और आपको तरीके से जो भी आप चाहते हैं, ठीक है, वो आपके सामने आपको दिखाई जाएंगे, लाए जाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चा ये आपका क्या है भाई, मिरर लगा दिया गया है। मिरर लगाने के बाद किस प्रकार से दिखेंगे भाई, राइट से लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा और ये लेफ्ट से राइट शिफ्ट होगा। आपने कहा कि सर पहले ऑप्शन में देखिए ये आपको सेम दिख रहा है, लेकिन आपने कहा कि सर ये 9 कैसे बन जाएगा, ये वाला पार्ट नहीं बन सकता ना, देखते ही रॉन्ग कर दीजिए। बाकी तीन ऑप्शन में सेम है, ठीक है। फिर आपने देखा 4 आपने देखा कि सर ये इस प्रकार से ये सेम है, लेकिन ये ऐसा कैसे, उल्टा कैसे हो सकता है, ये भी गया, ठीक है। अब आप 2 पे आ जाइए, आपने कहा कि सर 2 जो है पलटने पर उल्टा नहीं होगा, ठीक है, पलटने पर ये वाला पार्ट नीचे नहीं आ सकता, ये जो ऊपर वाला सिरा है ना ये नीचे कैसे आ जाएगी, वाटर मेज वाला पार्ट थोड़ी नहीं है, इसलिए बेचारा पहला ऑप्शन भी गया। ऑप्शन इलिमिनेट किया, सीधा आंसर आपको मिल गया, ऑप्शन को इलिमिनेट कर लिया और आपको सीधा का सीधा आंसर आप सभी को मिल गया। आई होप ये बात क्लियर, क्या ये बात क्लियर है। तो चलिए सेशन कैसा लगा बताइएगा, ठीक है। 11 बजे इंग्लिश की बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, SSC MTS हवलदार और SSC सिलेक्शन पोस्ट को लेकर, तो उस मॉक टेस्ट को सभी लोग ज्वाइन करिए। मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ SSC की क्लियर क्लासेस हैं, उसमें चारों सब्जेक्ट इक्वली वेटेज हैं सभी की सभी की, तो सारी क्लासेस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी क्लासेस आपको मिल रही हैं प्लीज़ रेगुलर देखिए, मिस मत करिए, मैं आप सभी से बता रहा हूँ। SSC को तो लेकर एटलीस्ट हम फुली फोकस्ड होकर तैयार हैं, आप सभी रेगुलर आएंगे तो हम गारंटी है इस बात की कि हम किसी भी दिन आपको ये नहीं मिलेगा कि इवन सैटरडे संडे, मतलब संडे को भी नहीं, लेकिन आप सेशन में जुड़े जरूर हमारे साथ जुड़ेंगे, तभी हम कुछ और बेहतर आपको और चीज़ें दे पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए फिर इतने ही रखेंगे सेशन को, मिलेंगे आपसे फिर अगले सेशन में, लाइक इवनिंग में, राइट। इवनिंग में आपको एक बहुत ही धमाकेदार स्पेशल सेशन रीजनिंग का होने वाला है, जो कि 2 घंटे लगातार होगा, आप सभी उसमें जरूर जुड़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे इवनिंग में, थैंक यू।